फ्रेंड्स, दिस इज क्लास फोर सेटे NSO 2024-25 क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 16. फॉर क्वेश्चन टू करेक्ट आंसर इज 24, ऑप्शन बी. क्वेश्चन थ्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन फोर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन फाइव करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन सिक्स, सो दिस इज फिश, एक्स इज फिश एंड वाई इज चिकन, सो दे कैन बी प्रिजर्व यूजिंग कैनिंग, ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन बी फ्रीजिंग एज वेल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. देन क्वेश्चन सेवन, एग लेइंग एनिमल्स, बर्थ गिविंग एनिमल्स. तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन टू जो है, दिस नंबर टू डक जो है, इट इज़ एग लेइंग एनिमल. तो इसको आप ढूंढो एग लेइंग एनिमल के अंडर जहाँ पे टू है. तो टू इज अंडर ऑप्शन बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. देन एथ वन में जब ये स्ट्राइक आउट करेंगे तो हमें मिल जाता है टॉर्टोइस, एंड इट इज़ अ शेल्ड रेप्टाइल, ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नाइन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट एड, सो इट इज़ ऑप्शन डी. इन केस यू गेट हर्ट वाइल प्लेइंग इन द पार्क, पर हॉट वाटर ऑन द वुंडेड एरियाज, ये वाला इनकरेक्ट है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन टेन, रीड द सेंटेंस एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स. मैन ऑफ महाराष्ट्र ओकेजनली वेयर अ टर्बन कॉल फेंटा, एंड वुमेन वेयर अ साड़ी नोन एज नवारी साड़ी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन इलेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम शोन इन द गिवन पिक्चर. दिस इज अ रबर स्लीपर, जो घर में पहनते हैं. तो इसमें से हमें बताना है कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो ऑप्शन ए ओपेक है, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल है, ऑप्शन डी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो इट इज़ नॉट मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म इसका कैरेक्टर नहीं है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ट्वेल्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मर्क्यूरी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनस. देन क्वेश्चन 13, विच ऑफ दीज इंडियन फेस्टिवल्स इज नॉट लिंक्ड टू द फेजेस ऑफ मून. दिवाली, ईद एंड करवा चौथ, ये तीनों ही फेजेस ऑफ मून से लिंक्ड हैं. ऑप्शन सी बैसाखी जो है, इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो करेक्ट आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पार्ट्स बिलोंग टू अ प्लांट दैट इज अडेप्टेड टू ग्रो ऑन हील्स. सो इट इज़ ऑप्शन ए. क्वेश्चन 15, रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज ग्रो आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज. Then moving on to next question. This is 16th. Match the given columns and select the correct option. So 16th ka answer ho jayega. Mouth secretes saliva. Then large intestine. Then small intestine secretes digestive juices. Stomach breaks down the protein into simpler substance. एंड लार्ज इंटेस्टाइन का हो जाएगा डज नॉट डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ फूड. सो ए का हो जाएगा 4, देन बी का हो जाएगा 3, एंड सी का हो जाएगा 2, एंड डी का हो जाएगा 1. नेम ऑफ द हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड. तो स्नो, हेल, रेन तो है, स्लीट तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 3 होना चाहिए. Then refer to the given figure and select the option that correctly identifies 2 margin and 1 lamina. ये होगा option D. Then हो जाएगा 15, incorrect statement बताना था. So penguins have a heavy body as compared to other birds as they do not have hollow bones. No, this is correct. Egret is a bird that has wading feet. In questions 19, we have to select one incorrect statement. So the statement A, it is correct. Statement B is also correct. And statement C is also correct. The incorrect statement is option D, none of these. Then question 20, what is the common among the food items shown in the given boxes? So, yahan pe jo food item hai, that is ghee, honey, milk and cheese. So, ye sare ke sare, they are obtained from animals, option B. Then question 21 hai, strike out every alternate letter starting from the first one and select the option that is the name of a professional person that deals with gathering and writing news and stories for magazine and newspaper. It is option D, journalist. Then question 22 में यहाँ पे देखो आपको
करेक्ट वाला मैच फाइंड करना था. कैनल और रिवर इनकरेक्ट है. कैनल एंड रिवर इज इनकरेक्ट एंड फुटपाथ इज करेक्ट. डॉट डॉट वाला जो है दैट इज फुटपाथ. देन यू हैव क्वेश्चन 23. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच ऑन अनस्क्रैम्बलिंग करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स. सो एक्स इज अ मिनरल दैट इज यूज टू मेक पेंसिल लिड्स. इट इज ऑप्शन बी ग्रेफाइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24. आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम टू विच द ऑर्गन एक्स शोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट ऑर्गन सिस्टम. सो यहाँ पर ये एक्स है. एक्स इज स्टमक एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन 25. टू रिड्यूस फोर्स एक्स ऑन अ कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग टैल्कम पाउडर इज अप्लाइड. द फोर्स एक्स इज द फोर्स डैश. तो जब कैरम खेलते हैं अक्सर हम लोग टैल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं सो दैट फ्रिक्शनल जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स उसको रिड्यूस कर सकें एंड स्लिपरी हो जाए और उसको आसानी से हम दैट उसको खेल सकें एंड वी कैन विन. सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग वाइल वॉकिंग. क्वेश्चन 26. आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ स्टेट शोन इन द गिवन डायग्राम. नाउ सिलेक्ट द आइटम दैट अंडरगो दिस चेंज एट द रूम टेम्परेचर. सॉलिड से मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक है. ये गैस में चेंज हो रहा है. मॉलिक्यूल्स बहुत बिखरे हुए हैं. सो इसमें क्या है. इट इज ऑप्शन बी मोथ बॉल्स जो एक जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम नैप्थलिन बॉल्स भी कहते हैं फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं. उनको अगर आप एयर में एक्सपोज करोगे वो धीरे 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 गैसियस बन करके उड़ जाती है जो कि दिखाई नहीं देता है बट वो बिल्कुल गायब हो जाती है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी मोथ बॉल्स. देन क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. मतलब एक बार अगर आपने कोई फोर्स डाला है फिर वो वापस आ सकता है तो दैट इज ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन 28. एक्स इज अ मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड बट हैज फिक्स वॉल्यूम. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल एक्स. तो मटेरियल एक्स इज लिक्विड एंड इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केरोसिन एंड कोकोनट ऑयल. क्वेश्चन 29. रमिया हैज वन बॉक्स ऑफ टॉयज विच इज वेरी हैवी. शी इज ट्राइंग टू पुल द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ए रोप एज शोन इन द गिवन पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट. ये देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल से इस सरफेस पे ये हैवी बॉक्स खींच पा रही है. सो इसका सोल्यूशन क्या है. ऑप्शन ए इफ अ कार्ट. तो अगर इस कार्ट को एक व्हील के ऊपर प्लेस कर देते हैं तो अमाउंट ऑफ पुलिंग फोर्स जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन ऑप्शन बी में क्या दिया गया है. इफ़ द बॉक्स इज पुश डाउन अ स्लोप देन द एफर्ट्स पुट बाय हर विल रिड्यूस. अगर एक स्लोपी जो ये रहता है उस पर अगर रख दें और उससे पुश करें तो भी रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी.